चलो बेटी जल्दी हाथ चलाओ थोड़ा। ठीक है अम्मी। गुल, क्या तुम्हें वहां कोई खजाना मिल गया है? अभी तक वहां क्यों बैठी हुई हो? हाँ, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है अम्मी। मुझे लगा कोई खास चीज है, मगर वो नॉर्मल निकला। हमें तो हमेशा ऐसे ही खजाने मिला करते हैं। इन सब बातों का वक्त नहीं है, अपने काम को मुकम्मल करो और ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। कपड़े धोने, बर्तन धोने, सफाई करनी है, खाना पकाना है। अगर एक ही काम में इतना टाइम लगाएंगे तो हो गए सारे काम। खड़ी मत रहो, जल्दी हाथ चलाओ अपना। फिर वहीं खड़ी हो गई तुम? जल्दी करो। कुछ नोट किया? मुझे तो ये यहाँ की रहने वाली नहीं लगती, कोई तो बात है, लेकिन क्या? सबब तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मुझे भी अजीब लगती है। मजेदार था, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। समझे, मैं आपकी परमानेंट कस्टमर बन गई। मैं इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करूंगी। यहाँ काफी रश हो जाएगा क्योंकि आप हकदार हैं। एक बार फिर शुक्रिया, हमें आपका इंतजार रहेगा। क्योंकि ये हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल रेसिपी है, इसलिए आपको कहीं नहीं मिलेगी। रुकिए जरा, आपका सामान। ये तो चली गई, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? वो जो लड़की आई थी, ये भूल कर चली गई। अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो वो वापस लेने आ जाएगी। क्या हुआ मीने जान? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अली मुझसे दूर दूर रहता है, मुझे नहीं लगता वो कभी मुझे पहचानेगा। मैंने तुमसे क्या बात की थी मीने? जल्दबाजी जज्बाती बेवकूफों का काम है, और जो इस बेवकूफी का मुजाहिरा करेंगे वो कभी कामयाब नहीं होंगे। सब्र करना होगा तुम्हें। इंसान सिर्फ वही जंग जीत सकता है जो उसकी मुट्ठी में होती है मीने। और कंट्रोल करने के लिए मुशाहिदा, मनसूबा बंदी और सोच समझ कर काम करने की जरूरत है।
मेरी बात मानोगी तो अलीस पर तुम्हारे पास वापस आएगा। मीने, तो बताओ हमें क्या करना होगा? हमें सबर करना होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखो। तुम घर आ जाओ, फिर तफसील से बात करेंगे हम इस पर। ख्याल रखना। ये लड़की एक बॉम्ब की तरह है उस जान, कब और कहां फट जाए कुछ नहीं मालूम हमें। अभी मैंने उसे समझा दिया है, बाद में क्या होगा, कभी भी गड़बड़ करके हमें मुश्किल में डाल सकती है ये। अली के अलावा कोई बात ही नहीं करती है। उस जान, तुम हर लम्हा उस पर नजर रखोगे जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते, समझ आ रही है बात तुम्हें? मुझे कोई मसला नहीं चाहिए सबके दौरान। गलत बात है, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। उस दिन आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं बहुत डर गई थी। मैं सिर्फ अपनी हिफाजत करना चाहती थी। तुम किस हिफाजत की बात कर रहे हो? आपको आजादे साहिबा से बात करते हुए सुना था। ऐसी औरत जिसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, उसकी हरगिज इस घर में कोई जगह नहीं। आजादे साहिबा, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा।